लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवम्बई के वार्ड 64 की वोटिंग लिस्ट में धांधली का बड़ा खुलासा सामने आया है। निर्वाचन अधिकारियों ने 20 साल तक यहां के नगर सेवक रहे शिवसेना के वर्तमान जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और उनके परिजनों का नाम वोटिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। मतदाता सूची में ऐसी धांधली सैकड़ों लोगों के साथ हुई है। आज इस पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने बेलापुर में निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और गलतियों को तत्काल सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कोई भूल नहीं बल्कि ऐसे लोगों की राजनीतिक साजिश है जो बोगस मतदान के जरिए मनपा चुनाव को जीतना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। नवम्बई मनपा चुनाव आने से पहले ही वोटर लिस्ट में धांधली का बड़ा खेल शुरू हो गया है। वासी प्रभाग 64 के 49 नंबर की मतदाता सूची में शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे के खिलाफ एक ऐसी ही धांधली का खुलासा हुआ है। निर्वाचन अधिकारियों ने सूची से विट्ठल मोरे और उनके परिवार के 5 सदस्यों का नाम हटा दिया है। आज जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने इस धांधली पर आपत्ति जताते हुए बेलापुर विधानसभा क्षेत्र 151 के निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और नाम शिफ्ट किए जाने पर जवाब मांगा। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि जिस प्रभाग में वे 20 साल तक नगर सेवक रहे, जहां वे 47 सालों से अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, वहां से उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल देना बड़ी राजनीतिक साजिश का संकेत है। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि यह उन लोगों का राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है जो फर्जी वोटों के जरिए मनपा का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे फैमिली के साथ, मेरे साथ मेरे पूरे फैमिली के मेरे 5 लोगों का नाम ही यहाँ से शिफ्ट किया। अभी शिफ्ट कहाँ किया वो मैं नहीं जानता था, उसमें कोई डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होगा। मैं पिछले 20 साल नगर सेवक था, महापालिका में सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, वार्ड कमेटी चेयरमैन, अभी मैं जिला प्रमुख हूँ। मैं यहाँ पर इतने इश्यू लेके खड़ा हूँ, मैं रोज प्रशासन में मिलता, प्रशासन को मिलता हूँ। ऐसे वक्त में अगर मेरा और मेरे फैमिली का नाम गायब है तो ये बड़ा बड़ा फ्रॉड है। ये साजिश को देखना जरूरी है, ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति है। यहाँ पर देखिए, जो आम जनता के लिए हम लोग प्रॉमिसेस करते हैं वो फुलफिल नहीं करना है। इसमें घपलेबाजी करके और इस तरह का इलेक्शन के जो वोटिंग लिस्ट है उसमें गड़बड़ी करके हम लोग चुन के आने का और लोगों को दोबारा फंसाने का, ये धंधा करने वाले लोग आज राजनीति में हैं। इसके लिए पूरी राजनीति बिगड़ गई। यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके नाम स्थलांतरित किए, इसका मतलब यहाँ पर काम करने वाले आज जो नगर सेवक हैं वो बेईमानी से काम करते हैं और जो यहाँ के मतदाता हकदार हैं उनको बाजू में रखकर बोगस वोटिंग करने वाले लोग बाहर से बुलाएंगे और अपना दोबारा यहाँ पर चुन के आने का जो उनका हक, जो गलत हक है उसको साबित करें। बताना जरूरी है कि 15 जुलाई तक मतदाता सूचियों में फोटो लगाने और अन्य सुधारों के लिए आखिरी तिथि दी गई थी और इसी दिन शिवसेना नेता का नाम निकालने की इस भयंकर गलती का पता चला। जाहिर है यदि आक्षेप नहीं लिया जाता तो उनका पूरा परिवार वोटिंग से वंचित रह जाता। वरिष्ठ पदाधिकारी एकनाथ दुखंडे ने इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियत और कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी गलतियां हर वार्ड की मतदाता सूची में की गई हैं जिसे तत्काल सुधारने की जरूरत है। वहीं युवा नेता अवधूत मोरे ने कहा कि यदि शिवसेना जिला प्रमुख का नाम काटा जा सकता है तो सामान्य मतदाताओं के साथ कैसी धांधली हो रही है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि संभवतः कुछ लोग नहीं चाहते कि मोरे परिवार के लोग मनपा चुनाव में हिस्सा ले सकें और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र करने में जुटे हैं। हम यहाँ 20 साल से रहते हैं और मेरे पिताजी तो 20 साल नगर सेवक रहे और हम हर एक कार्यक्रम में जो वार्ड में होता है उसमें रहते हैं। साधारण सी बात है कि ये लोग ने 100% बोगस की तैयारी की है और जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है और हमारे जैसे लोग, मतलब मोरे परिवार, अगर इनका नाम आप हटा सकते हैं तो बाकी के जो जनरल वोटर्स हैं
उनको कौन पूछने वाला है कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ से हॉस्पिटल में काम करते थे, रिटायर्ड होके चले गए, और ऐसे 350 लोगों के नाम सालों से डिलीट नहीं हो रहे, और यहाँ 40 साल से रहने वाले लोगों को नाम डिलीट करने का एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है स्थानीय कुछ पॉलिटिकल लोगों से, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।